हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने थीसिस नाम की एक फिल्म देखी है जो कि एक स्पैनिश हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर है और ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का स्पैनिश नेम है थीसिस और इस फिल्म को अलेहांड्रो अमेनाबार ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर थीसिस को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 83% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 89%। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर थीसिस मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम ट्रेन स्टेशन का सीन देखते हैं जहां ट्रेन को स्टेशन के थोड़ा आगे रोक दिया गया था क्योंकि किसी आदमी ने यहां ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कमिट किया था। इस इंसान की बॉडी दो भाग में कट गई थी और ट्रेन की एक पैसेंजर जिसका नाम एंजेला था, वो इस आधी कटी डेड बॉडी को देखना चाहती थी। बट ऑब्वियसली ऑथॉरिटीज किसी भी पैसेंजर को ये अलाउ नहीं कर सकते थे और वो पैसेंजर्स को वहां से जल्दी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने कॉलेज में देखते हैं जहां वो फिल्म स्टूडेंट है एंड शी वाज राइटिंग ए थीसिस ऑन फिल्म मेकिंग। यहां वो प्रोफेसर फिगियोरा के ऑफिस में थी एंड ही वाज स्टडिंग हर थीसिस। एंजेला की थीसिस अभी इनिशियल स्टेज पे थी जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे वॉयलेंट कॉन्टेंट की जरूरत थी और इसीलिए वो प्रोफेसर फिगियोरा से हेल्प मांगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वॉयलेंट वीडियोस के सैंपल्स यूनिवर्सिटी के ऑडियो वीडियो या फिर AV लाइब्रेरी में रखी हुई थी और इसका एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स के पास ही था, तो एंजेला को प्रोफेसर फिगियोरा से इसी लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए थी। प्रोफेसर एंजेला को प्रॉमिस नहीं करते बट ही सेज दैट ही विल ट्राई। यहाँ एंजेला को प्रोफेसर से थोड़ी कम उम्मीद थी और इसलिए शी चूजेस कीमा जो कि एक फेलो स्टूडेंट था। कीमा भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था लेकिन उसका इंटरेस्ट कैमरा वर्क में ज्यादा था एंड एक्चुअली ही वॉज फेमस इन द यूनिवर्सिटी फॉर यूजिंग एक्सट्रीमली वॉयलेंट एंड पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट इन हिज थीसिस। कीमा एंजेला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग कीमा के घर जाते हैं जहां कीमा एंजेला को कुछ वॉयलेंट वीडियोज दिखाता है जिनमें किलिंग और टॉर्चर जैसी चीजें थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर फिगियोरा को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के AV लाइब्रेरी में थे। वहाँ का इंचार्ज उन्हें उस सेक्शन तक ले जाता है जहाँ वॉयलेंट वीडियोस रखी थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि आज यहाँ आने वाले वो दूसरे इंसान हैं। जब प्रोफेसर वहाँ वीडियो सर्च कर रहे थे तो अचानक कोई आ जाता है। अब प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस सेक्शन में देखे, इसीलिए वो छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर AV लाइब्रेरी के पीछे ही एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ और रॉ फुटेजेस मिलती हैं। इन्हीं में से एक सैंपल वो अपने पास रख लेते हैं और स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर उसे प्ले करते हैं। यहां से सीन कट होकर नेक्स्ट डे पर आता है जहां एंजेला प्रोफेसर को ढूंढते हुए AV लाइब्रेरी आती है। एंजेला स्क्रीनिंग रूम में जाती है जहां हम प्रोफेसर को अपनी सीट पर ही डेड देखते हैं। प्रोफेसर वॉज ए पेशेंट ऑफ आजमा और उन्हें देखकर यह साफ था कि जो फुटेज वो देख रहे थे वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट थी कि उन्हें स्क्रीनिंग के बीच आजमा अटैक आ गया जिससे उनकी डेथ हो गई। एंजेला ये सब समझ जाती है और वो स्क्रीनिंग रूम में पीछे जाकर उस टेप को निकाल लेती है जिसे प्रोफेसर देख रहे थे। खैर, शाम को एंजेला की फैमिली किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रही थी लेकिन यहाँ एंजेला को वो टेप देखनी थी और इसीलिए वो एक्सक्यूज देती है कि शी नीड्स टू वर्क ऑन हर थीसिस। फैमिली मेंबर्स के जाते ही एंजेला उस टेप को प्ले करती है जहां हम व्यूअर्स उस टेप को नहीं देख पाते, लेकिन एंजेला को देखकर यह साफ था कि टेप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट था। एंजेला उस टेप को कुछ ही मिनट्स के बाद बंद कर देती है क्योंकि वो उस टेप को देख ही नहीं पा रही थी। अब एंजेला इस टेप की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है जहां हम सुन पाते हैं कि टेप में किसी फीमेल की पेन से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एज इफ शी वॉज बींग सीवियरली टॉर्चर्ड। एंजेला इस वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करती है और वो काफी डर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो टेप एंजेला की यंगर सिस्टर सीना को मिल जाता है लेकिन एंजेला किसी तरह उससे वो टेप लेकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सभी को प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ की न्यूज मिल चुकी थी और प्रोफेसर फिगियोरा की जगह अब एंजेला की क्लास को पढ़ाने एक नए टीचर अपॉइंट होकर आते हैं जिनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था। अब से प्रोफेसर कैस्ट्रो ही एंजेला की थीसिस पर भी उसे गाइड करने वाले थे।
खैर सीन शिफ्ट होकर कीमा को दिखाता है जिसे एंजेला पे शक हो गया था कि प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ से उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इस बात पे वो एंजेला को कन्फ्रंट करता है जहां एंजेला उसे टेप के बारे में बता देती है। यहाँ कीमा और एंजेला कीमा के घर जाते हैं टू वॉच दैट टेप। असल में एंजेला डिड नॉट वॉन्ट टू वॉच दैट टेप अगेन, बट कीमा उसे देखने के लिए फोर्स करता है। अब एज एन ऑडियंस हम पहली बार देख पाते हैं कि उस टेप में एक्चुअली क्या था। टेप में हम देखते हैं कि किसी गैराज में एक लड़की को किसी ने एक चेयर से बांध कर रखा था। वहाँ एक मास्क्ड मैन आता है जो उस लड़की को काफ़ी ब्रूटली मारता पीटता है और उसे टॉर्चर करता है। ये सब काफ़ी डिस्टर्बिंग था और एंजेला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं कीमा इस टेप को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। टेप के एंड में वो मास्क्ड मैन उस लड़की को शूट कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी के पीसेस कट करने लग जाता है। टेप ओवर होने के बाद कीमा एंजेला को बताता है कि ये एक रियल फुटेज है, यानी कि इसमें जो कुछ भी हुआ वो परफॉर्म्ड नहीं था, बल्कि एक्चुअली में उस लड़की का मर्डर किसी ने इस टेप में ही किया था। कीमा बताता है कि इस टेप वाली लड़की को वो जानता है और ये लड़की वेनिसा है जो कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी। कीमा और एंजेला ये जानकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किसी ने किडनैप करके इतनी बेरहमी से मार डाला था। यहाँ कीमा नोटिस करता है कि वीडियो में डिजिटल जूम का यूज़ किया गया है एंड द थिंग वॉज कि उस समय डिजिटल जूम टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू थी और ऐसे कैमराज जिनमें डिजिटल जूम हो वो मार्केट में काफ़ी रेयरली ही अवेलेबल होते थे। कीमा उस कैमरा का मॉडल पता लगाने की कोशिश करता है एंड ही फाइंड्स आउट दैट XT500 वाज द मॉडल जो 2 साल पहले मार्केट में डिजिटल जूम फीचर के साथ लॉन्च हुआ था। खैर एंजेला अपने घर जाती है और वहां अपने रूम में उसे अपना ड्रॉअर खुला मिलता है। एंजेला को लगता है कि ये सब उसकी छोटी बहन सीना ने किया होगा, लेकिन पूछताछ करने पर सीना साफ मना करती है। तभी एंजेला को कीमा का कॉल आता है जहां कीमा उसे अपने घर आने के लिए कहता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो समथिंग इम्पॉर्टेंट टू हर। कीमा एंजेला को बताता है कि वेनेसा जरूर उस किलर को जानती थी क्योंकि ये वीडियो एडिटेड है, यानी कि इस वीडियो में हर उस जगह कट विजिबल है जहां वेनेसा ने किलर का नाम लिया था। कीमा एंजेला को सजेस्ट करता है कि उन्हें वेनेसा के दोस्तों के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस पर एंजेला रिप्लाइज कि उन्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट डे एंजेला यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर अटेंड कर रही थी जो कि प्रोफेसर कैस्ट्रो की थी। अपने लेक्चर में कैस्ट्रो कहते हैं कि एज ए फिल्म मेकर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है आप उन्हें वही दिखाएं, नो मैटर वो कितनी ही ब्रूटल क्यों ना हो। लेक्चर के बाद एंजेला और कैस्ट्रो मिलते हैं जहां कैस्ट्रो एंजेला को अपनी थीसिस पर काम करते रहने के लिए एनकरेज करते हैं। कैफेटेरिया में एंजेला को एक लड़का उसी कैमरा मॉडल XT500 के साथ दिखता है जिसके बारे में कीमा ने उसे बताया था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो वहां से निकल जाता है। एंजेला को उस पर थोड़ा शक होता है एंड शी डिसाइड्स टू फॉलो हिम। एंजेला उसे फॉलो करते करते काफ़ी दूर तक जाती है, बट अब तक वो लड़का नोटिस कर चुका था कि एंजेला उसे फॉलो कर रही है। अब ये लड़का एंजेला को ही फॉलो करने लग जाता है जिससे एंजेला काफ़ी डर जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते एंजेला का बैकपैक खुल जाता है और उसमें से उसकी हाउस की की और कुछ आर्टिकल्स गिर जाते हैं एंड एंजेला विदाउट नोटिसिंग इट एक क्लास में जाकर बैठ जाती है। ये क्लास अभी ही ओवर हो जाती है और एंजेला को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर वो लड़का एंजेला का वेट कर रहा था विद हर हाउस की एंड दोज आर्टिकल्स जो कि वेनेसा के बारे में था। यहाँ वो दोनों बात करते हैं जहाँ लड़का अपना नाम बॉस को बताता है और एंजेला उसे बताती है कि वो वेनेसा के केस को स्टडी कर रही है। बॉस को एंजेला को बताता है कि वेनेसा उसकी फ्रेंड थी। तभी वहाँ बॉस्को की गर्लफ्रेंड योलेंडा आ जाती है और योलेंडा का कहना था कि वो भी वेनेसा की फ्रेंड थी। बॉस्को सजेस्ट कि एंजेला एक इंटरव्यू टाइप की रिकॉर्डिंग कर सकती है जिसमें बॉस्को अपनी स्टेटमेंट देगा एंड एंजेला अग्रीज टू दिस। एंजेला जब कीमा को इस सब के बारे में बताती है तो कीमा वॉज एंग्री क्योंकि कीमा को बॉस्को पर पूरा शक हो गया था एंड ही वॉज कंसिडरिंग हिम एज द किलर। खैर नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को बॉस्को का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जहां शूटिंग कीमा कर रहा था। बॉस्को इंटरव्यू में बताता है कि 2 साल पहले वेनेसा किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने ये सब लिखा था और उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दी। इंटरव्यू के बाद एंजेला हैड काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग इन बॉस्को, लेकिन कीमा को अब भी बॉस्को पर शक था। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने घर आते हुए देखते हैं जहां बॉस्को पहले से ही वहां उसका वेट कर रहा था। बॉस्को एंजेला को बताता है कि वो अपने इंटरव्यू में कुछ और बातें ऐड करना चाहता है और इसीलिए वो अपना कैमरा साथ लाया है। इंटरव्यू के बाद बॉस्को एंजेला और एंजेला की सिस्टर सीना तीनों बैठकर बातें करते हैं जहां बॉस्को बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड योलेंडा से ब्रेकअप हो गया है।
इतना ही नहीं, बॉस को एंजेला को बताता है कि उसने अपना कैमरा 4 महीने पहले ही सेकेंड हैंड में खरीदा था। ये सब सुनकर एंजेला का बॉस को बढ़ते शक कम होने लगता है और वो उसे अच्छा इंसान लगने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ कीमा स्टिल से इसकी बॉस को ही किलर है और वो एंजेला को वार्न करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को उसी कैमरा कंपनी की ऑफिस में देखते हैं जहां वो XT500 के सेल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाने गई थी। बट कंपनी रूल्स के हिसाब से किसी भी रेगुलर कस्टमर को ऐसा रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा सकते थे। एंजेला किसी तरह छुप छुपा कर मेन रिकॉर्ड कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लेती है और वहां से निकल जाती है। घड़ाघड़ी एंजेला वो डेटा चेक करती है तो उसमें उसे बॉस्को का नाम नहीं मिलता, बट टू हर सरप्राइज उसे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है। दूसरी तरफ कीमा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिस जाता है जहां का इंचार्ज उसका दोस्त था। कीमा उसे कुछ एडल्ट वीडियोस देने का प्रॉमिस करता है और बदले में वो इंचार्ज से उस दिन की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स मांगता है जब प्रोफेसर फिगुरा यहां आए थे। यहां सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एंजेला को अपने रूम में देखते हैं और एंजेला काफी परेशान थी क्योंकि बॉस को अब उसके ड्रीम्स में आने लगा था। शी स्टार्टेड हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, व्हिच मींस कि एंजेला बॉस्को को पसंद करने लगी थी। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला को प्रोफेसर कैस्ट्रो की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। कैस्ट्रो एंजेला को स्क्रीनिंग रूम में ली गई फुटेज दिखाते हैं जो उस दिन की थी जब प्रोफेसर फिगुरा की डेथ हुई थी। फुटेज में एंजेला साफ दिख रही थी और इसलिए कैस्ट्रो एंजेला से पूछते हैं कि वो वहां क्या करने गई थी। इतना ही नहीं, कैस्ट्रो पूछते हैं कि एंजेला ने वहां स्क्रीनिंग रूम से कौन सी टेप निकाली थी। इसी बीच वहां कीमा का कॉल आता है और वो एंजेला को कैस्ट्रो से दूर रहने के लिए कहता है और वो टेप के बारे में भी किसी तरह की बात करने से मना कर देता है। एंजेला वहां से निकलकर कीमा के पास पहुंचती है और यहां कीमा एंजेला को एवी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जहां वो देखती है कि उस दिन एवी लाइब्रेरी में प्रोफेसर फिगुरा से पहले कैस्ट्रो भी वहां गए थे। जी हां दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एवी लाइब्रेरी के इंचार्ज ने प्रोफेसर फिगुरा को बताया था कि उस दिन वहां आने वाले वो दूसरे इंसान थे। फुटेज में आगे एंजेला देखती है कि प्रोफेसर फिगुरा पीछे एक रूम में चले जाते हैं जहां से वो एक टेप उठाते हैं। कीमा एंजेला को बताता है कि वो ये फुटेज देख चुका है और फुटेज देखने के बाद वो उसी रूम में गया था और उसे वहां कुछ और टेप्स भी मिली हैं। अब एंजेला और कीमा इन नए टेप्स को भी प्ले कर देते हैं। टेप्स देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये टेप्स भी वेनेसा के टेप की तरह ही थी जहां डिफरेंट लड़कियों को बांध कर कोई मास्क्ड पर्सन उन्हें टॉर्चर करता है और फाइनली उन्हें मार देता है। एंजेला कीमा को बताती है कि उसने कैमरा कंपनी का सेल्स डेटा चेक किया था और उसे पता चला था कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने ही 2 साल पहले 13 XT500 के ऑर्डर दिए थे फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड इट वाज पॉसिबल कि कोई भी उस स्टूडेंट उन कैमरा से शूट कर रहा होगा। एंजेला कीमा से कहती है कि एवी लाइब्रेरी के जिस रूम में कीमा को एडिशनल टेप्स मिले हैं उन्हें उस रूम को चेक करना चाहिए क्योंकि शायद बाकी के कैमरास वही हों। इस पर कीमा से इसकी वो वहां ऑलरेडी चेक कर चुका है और वहां टेप्स के अलावा और कुछ नहीं था। एंजेला फिर भी वहां जाना चाहती थी जिससे कीमा इरिटेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंजेला ये सब बस बॉस्को को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रही थी। फिर भी कीमा मान जाता है और वो दोनों उस रात एवी लाइब्रेरी के उसी रूम में जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। सो कीमा के घर से निकलते ही एंजेला को योलेंडा मिलती है जो उससे कुछ जरूरी बातें करना चाह रही थी। योलेंडा और एंजेला एक कैफे जाते हैं जहां योलेंडा बताती है कि 2 साल पहले उसने वेनेसा और बॉस्को ने एक प्रोफेसर की वर्कशॉप अटेंड करी थी जहां उन्हें XT500 कैमरा को यूज करने का चांस मिल रहा था जो कॉलेज में इजीली अवेलेबल नहीं था। वर्कशॉप के दौरान वो लोग एक लड़के से मिलते हैं जो ऐसी टेप्स को लेकर काफी ऑब्सेस था जिनमें किसी पर्सन को किडनैप करके उन्हें मारा जाता है। योलेंडा बताती है कि वो उससे काफी डर गई थी और इसीलिए उसने बॉस्को को उस लड़के से दूर रहने की रिक्वेस्ट की थी। उन तीनों ने उस वर्कशॉप को छोड़ दिया और कुछ समय बाद वो वर्कशॉप बंद हो गई। वर्कशॉप बंद होने के ठीक 1 वीक बाद वेनेसा गायब हो गई थी। योलेंडा एंजेला को बताती है कि उसका मानना है कि उसी लड़के ने वेनेसा को किडनैप किया होगा। इतना ही नहीं, वो प्रोफेसर जिसकी वर्कशॉप उन्होंने अटेंड करी थी उनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था और उस लड़के का नाम कीमा था। जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज लाइक ए शॉक टू एंजेला, लेकिन हम भी उसे यहाँ समझ नहीं पाते कि हमें किसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। खैर, रात को प्लान मुताबिक एंजेला और कीमा एवी लाइब्रेरी जाने के लिए मिलते हैं जहाँ एंजेला कीमा को ये सब बताती है। कीमा एंजेला को बताता है कि उसने बॉस्को से अपनी दोस्ती इसलिए छुपाई ताकि एंजेला उस पर शक न करने लगे। कीमा एंजेला को बताता है कि ये सब पहले की बात थी और अब बॉस्को और वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। कीमा एंजेला को यकीन दिलाता है कि उसने वेनेसा को किडनैप नहीं किया था और वो खुद वेनेसा के किलर का पता जल्द से जल्द लगाना चाहता है।
यहाँ से वो दोनों उसी रूम में खोजबीन करते हैं जहाँ कीमा से टकराकर एक वुडन बॉक्स गिर जाता है और उसमें से उन्हें मास्टर टेप्स मिलती है। दोस्तों मास्टर टेप्स ओरिजिनल टेप्स होती हैं जिन्हें एडिट नहीं किया गया होता है और कीमा उन्हें रख लेता है क्योंकि इनसे वो किलर का नाम पता लगा सकता था। वो दोनों अब यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं बट रूम को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। एंजेला मैच स्टिक्स जला जला कर अंधेरे में आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों एडिटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस रूम में उन्हें वो बाकी के कैमराज भी मिल जाते हैं जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है लेकिन कीमा गायब था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। एंजेला होश में आती है और उसके सामने प्रोफेसर कैस्ट्रो थे। वो एंजेला को बताते हैं कि उन्होंने आज तक किसी को नहीं मारा है, वो तो बस उन टेप्स को रिकॉर्ड और एडिट किया करते थे बट सिंस एंजेला अब सब कुछ जान गई है तो इसीलिए उन्हें एंजेला को मारना पड़ेगा। कैस्ट्रो एंजेला को शूट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ कीमा आ जाता है जो कि एक्चुअली में एग्जिट ढूंढने गया था। वो कैस्ट्रो को रोकता है और ये दोनों आपस में उलझ पड़ते हैं जहाँ कैस्ट्रो की रिवॉल्वर चल जाती है और गोली खुद कैस्ट्रो को ही लग जाती है। एंजेला कीमा को बताती है कि कैस्ट्रो तो इन वीडियोस को सिर्फ शूट और एडिट करते थे यानी कि किलर अभी भी फ्री घूम रहा है। तो ये सब होने के बाद एंजेला अपने घर पहुंचती है जहां उसके डैड बताते हैं कि सीना बॉस्को के साथ क्लब गई है। एंजेला वॉज वेरी स्केयर्ड और वो उसी वक्त क्लब जाती है जहां वो सीना और बॉस्को को साथ देखती है। अब तक एंजेला को रियलाइज हो गया था कि सीना भी बॉस्को की तरफ अट्रैक्ट होने लग रही थी और इसीलिए वो जाकर बॉस्को को किस करती है। सीना और एंजेला क्लब से वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला कीमा के घर जाती है जहां वो कीमा को सजेस्ट करती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर सब रिपोर्ट कर देना चाहिए। कीमा पहले तो इस पर अग्री नहीं करता लेकिन फिर वो मान जाता है और वो रेडी होने के लिए वॉशरूम में जाता है। यहां बाहर वाले रूम में एंजेला को वही मॉडल का कैमरा मिलता है जिसमें उसे अपने नेम की टेप मिलती है एंड शी रियलाइजेस कि कीमा उसे स्टॉक कर रहा था। एंजेला तुरंत ही अपने घर वापस लौट जाती है जहां सीना उसे बताती है कि सुबह से उसके लिए कोई लड़की कॉल कर रही थी और उसने सीना को एंजेला समझकर कॉल पे काफी अब्यूजिव वर्ड्स कहे थे। एंजेला सोचती है कि जरूर वो कॉल योलेंडा की थी क्योंकि लास्ट नाइट उस क्लब में योलेंडा भी थी और उसने एंजेला और बॉस्को को किस करते हुए देख लिया था। एंजेला बॉस्को को कॉल करती है बट वहां से उसे पता चलता है कि बॉस्को अपने फार्म हाउस गया है। एंजेला को उसके फार्म हाउस का एड्रेस मिलता है और वो वहीं के लिए निकल जाती है। एंजेला फार्म हाउस पहुंचती है और वो बॉस्को को योलेंडा के बारे में सब बताती है। बॉस्को एंजेला को बताता है कि योलेंडा एक्चुअली में काफी पजेसिव है और जब भी बॉस्को किसी लड़की से बात करता है तो योलेंडा ऐसे ही रिएक्ट करती है। तभी सडनली फार्म हाउस की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है जिससे अंधेरा हो जाता है और हम ब्लैक जैकेट में किसी पर्सन को बाहर देखते हैं। बॉस्को टॉर्च लेने जाता है जहां कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यहां एंजेला को आवाज आती है और वो किचन की तरफ जाती है जहां बॉस्को गिरा पड़ा था और ब्लैक जैकेट में वहां कीमा खड़ा था। कीमा एंजेला को देखता है और उसके पास जाने लगता है तभी पीछे से बॉस्को उठता है और वो कीमा पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। बॉस्को जल्दी से उसके हाथ पैर बांधने के लिए एक रोप ढूंढने लगता है। इसी बीच कीमा अनकॉन्शियस स्टेट में एंजेला को अपने पास बुलाता है और वो उसे एक वर्ड बोलता है, गराज। एंजेला गराज की तरफ जाती है और बॉस्को यहाँ कीमा के हाथ बांधता है। एंजेला यहाँ देखती है कि ये वही गराज था जो उसने डिस्टर्बिंग टेप में देखा था और यही पास में योलेंडा की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। इट वॉज क्लियर नाउ कि बॉस्को ही वो साइको किलर था जिसने वेनेसा और बाकी लड़कियों को मारा था और कीमा तो शायद यहाँ एंजेला को बचाने आया था। फाइनली हमें किलर का पता चल गया है क्योंकि फिल्म में हर कुछ मिनट पे हमारा शक बॉस्को से कीमा और कीमा से बॉस्को की तरफ जा रहा था। खैर, अब बॉस्को एंजेला को भी एक चेयर से बांध देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करने की तैयारी करने लगता है। एंजेला ने पहले ही अपने पास एक नाइफ छुपा ली थी और इसी बीच वो अपने हैंड्स की रोप कट कर लेती है। बॉस्को उसके पास आता है और एंजेला जल्दी से उसकी गन छीन कर उसे शूट कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम एक न्यूज देखते हैं जहां बताया जा रहा था कि पुलिस को बॉस्को की डेड बॉडी मिली है और साथ ही वो टेप्स भी मिली है जिनमें बॉस्को उन लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें मारा था। योलेंडा की डेड बॉडी भी अब पुलिस को मिली थी और अब प्रूव हो चुका था कि बॉस्को एक साइको किलर था। दूसरी तरफ एंजेला हॉस्पिटल में कीमा से मिलने आती है जो कि वहां एडमिटेड था। मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी हॉस्पिटल में बॉस्को वाली न्यूज चलते हुए देखते हैं जहां सभी पेशेंट्स इसे काफी इंटरेस्टेड होकर देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि किस तरह बॉस्को ने उन लड़कियों को टॉर्चर करके मारा था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थीसिस मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। थीसिस मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की तरफ हमारा ध्यान खींचती है।
अनोइंगली हम अक्सर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस हम खुद रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते और ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिन पर किसी तरह की रोक या प्रोहिबिशन हो। मूवी के ओपनिंग सीन का वो एक्सीडेंट जहां एक आदमी ने सुसाइड कमिट किया था और उसकी बॉडी हाफ कट हो गई थी, वहां मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के मन में भी ठीक वैसे ही क्यूरियोसिटी थी जैसी उस समय एंजेला के मन में उस सुसाइड सीन को देखने के लिए थी। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच पॉर्न और वायलेंट स्टफ को लेकर काफी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट थी। प्रोफेसर कैस्ट्रो की स्पीच से हम यही जान पाते हैं कि टीआरपी मनी और मार्केटिंग के लिए मीडिया कंपनीज भी जमकर इस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल करती है। आई मीन नेटफ्लिक्स पे ऑलमोस्ट एक मंथ तक टू हॉट टू हैंडल जैसी घटिया सीरीज टॉप पे थी, जिसमें आई एम प्रीटी श्योर की कोई स्टोरी नहीं होगी, जस्ट स्किन शो। वहीं नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट हैक जैसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री और ना जाने कितनी और डॉक्यूमेंट्री पड़ी है जो कि शायद कोई नहीं देख रहा। ऐसे ही कई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गई है जहां आपको बिना किसी स्टोरी डायरेक्शन और प्लॉट के स्किन शोज दिखाया जाता है, और ऐसे शोज की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर स्टोरी सॉलिड हो एंड इट डिमांड्स इंटेंसिटी तो ठीक है, लेकिन बिना मतलब ऑडियंस को ये सब दिखाना उन्हें जबरदस्ती मिल्क करने जैसा है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस इट्स आवर ड्यूटी कि हम ऐसे कॉन्टेंट को खुद कंज्यूम ना करें, और ऐसा करने से अपने आप ही इस तरह के कॉन्टेंट का मार्केट खराब हो जाएगा। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द बैड मसाला मूवीज जिन्हें हम देखकर 100-200 करोड़ कमवा देते हैं और बाद में हम खुद ही ब्लेम करते हैं कि भाई अच्छी मूवीज क्यों नहीं आती, अच्छी मूवीज क्यों नहीं चल रही। सो बिफोर ब्लेमिंग अदर्स वी शुड स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। तो दोस्तों ये थी द मूवी थीसिस की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और जहां तक मूवी की स्टोरी की बात है तो आई पर्सनली लाइक द वे जैसे ये मूवी लिखी और डायरेक्ट की गई है, एंड मूवी में एक्टिंग और सस्पेंस शानदार है। तो ओवरऑल आप इस फिल्म को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आप इसको काफी एंजॉय करेंगे। अब जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। Peace.